सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही 5 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला आज दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला जा रहा है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक मुख्य बदलाव किया गया है। अब क्योंकि पिछले मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं रही थी तो मोहम्मद शमी की टीम में वापसी करवाई गई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को 273 रनों का विशाल लक्ष्य दिया है। साथ ही मुकाबले में टॉस जीतकर इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जिसमें उनकी शुरुआत बेहद ही शानदार रही। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सीरीज के इस मुकाबले को जो कोई भी टीम जीतेगी वह इस सीरीज को अपने नाम कर लेगी क्योंकि शुरुआती ओवर में तो भारतीय टीम के गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलिया की टीम का कोई भी विकेट नहीं मिल पाया। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में पहले विकेट के लिए भारतीय टीम के गेंदबाजों को काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम की सलामी जोड़ी यानी कि एरन फिंच और उस्मान ख्वाजा ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी, परंतु फिर पारी के 15वें ओवर में भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच के रूप में अपना पहला विकेट मिला। एरन फिंच अपनी पारी में 43 गेंदों में 27 रन लगा चुके थे जिसके बाद उन्हें रविंद्र जडेजा ने अपनी एक धीमी गति की डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। साथ ही आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से आज बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने एक शतकीय पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में पूरे 100 रन लगाए जिसकी बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया की टीम 273 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाई। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के द्वारा 273 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आज शुरुआत से अच्छी नहीं रही और आलम यह रहा कि 132 रनों पर ही भारतीय क्रिकेट टीम के 5 विकेट गिर चुके थे। लेकिन 5वां विकेट भारतीय टीम का कुछ इस तरीके से गिरा कि भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले को वहीं हार चुकी थी। साथ ही आज मुकाबले में रोहित शर्मा भी कुछ नाटकीय तरीके से आउट हुए। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा मैच की शुरुआत से ही क्रीज के एक छोर से डटकर जोरदार बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद वह मैच को अंत तक जरूर लेकर जाएंगे। लेकिन फिर पारी के 29वें ओवर को जब डालने आए थे ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्पिनर गेंदबाज एडम जाम्पा, तो इस ओवर की दूसरी गेंद को खेलने के लिए जैसे ही रोहित शर्मा क्रीज से थोड़ा बाहर आए और इस गेंद पर शॉट खेलने के लिए अपना बल्ला घुमाया तो रोहित शर्मा के हाथ से बल्ला छूट चुका था और इससे पहले कि रोहित शर्मा कुछ समझ पाते और क्रीज में वापस आ पाते ऑस्ट्रेलिया टीम के विकेटकीपर ने रोहित शर्मा के स्टंप्स उड़ा दिए थे। दोस्तों हाथ से बल्ला छूटने के बाद रोहित शर्मा पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके थे और इससे पहले कि रोहित शर्मा यह सब कुछ होने के बाद अपना पैर क्रीज में वापस से ला पाते रोहित शर्मा स्टंप आउट हो चुके थे। साथ ही रोहित शर्मा के आउट होने के बाद इसी ओवर में आगे चलकर रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए जिसके बाद तो भारतीय क्रिकेट टीम की इस मुकाबले को जीतने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या 5वें वनडे में रोहित शर्मा की यह गलती भारतीय टीम की हार का मुख्य कारण बन सकती है? तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।